हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पुनः बात करते हैं क्लास 12 का 100 नंबर का हिंदी। देखिए, इसमें तो आपको पता है, इसके पहले भी वीडियो में हमने आपको बताए हुए थे कि इसमें 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जिसमें से मात्र आपको 50 का ही आंसर देना है, 50 से अधिक का नहीं देना है। तो दोस्तों चलें अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन है, सकार का विलोम है निराकार, कुवाकार, बेकार, अतिकार। तो आपका सही आंसर है ए, निराकार। ये ऑप्शन आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन है, निश्चय का संधि विच्छेद करें, निह जोड़ चय, निस जोड़ चय, निस जोड़ चय, नि जोड़ चय। तो देखिए, इसमें तलाबे स दंत स का जो है कि अंतर हुआ है इसमें। इसका सही आंसर है आपका ए ऑप्शन, सही है निजोड़ चय। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं, रीतिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल। तो आपका सही आंसर है ए रीतिकाल। चौथा नंबर क्वेश्चन है, देवता का पर्यायवाची शब्द है देव, पुरुषोत्तम, विप्र, अवनी। तो देखिए, देवता का पर्यायवाची शब्द जो होता है वह होता है देव, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयाग। तो आपका सही आंसर है सी लखनऊ। छठा नंबर क्वेश्चन है, मलयज की रचना नहीं है, यानी मलयज के द्वारा लिखा गया वह रचना नहीं है, न आने वाला काल, जूठन, सलाम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है न आने वाला काल। अगला क्वेश्चन है सातवा नंबर, ज्ञात का विलोम, ज्ञात का मतलब होता है जानना, इसका उल्टा क्या होगा, विलोम क्या होगा, अनजान, अज्ञात, नासमझ, बेज्ञात। तो देखिए, ज्ञात यानी जानकारी और उसका विपरीत जो होता है, विलोम होता है अज्ञात, यानी उसके बारे में जानकारी नहीं होना, इसीलिए आपका सही ऑप्शन है बी अज्ञात। आठवां नंबर क्वेश्चन है, भारत का विशेषण है भरत, भारतीय, भारतीया, भारतों। तो देखिए, भारत का विशेषण है भारतीय, आपका बी ऑप्शन सही है। नौ नंबर का क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं जय कृष्णमूर्ति, भगत सिंह, जय प्रकाश नारायण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, संपूर्ण क्रांति की रचना जो है जयप्रकाश नारायण ने किए हुए जयप्रकाश नारायण द्वारा की गई है, इसलिए आपका सही आंसर है सी जयप्रकाश नारायण। दसवां नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था 1880 में, 1881 में, 1882 में, 1883 में। तो आपका सही आंसर है 1883, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1884 ईस्वी को, 23 जून 1844 ईस्वी को, 20 जुलाई 1902 ईस्वी को, 18 सितंबर 1834 ईस्वी को। तो आपका सही आंसर है बी 23 जून 1884 ईस्वी को। 12 नंबर का क्वेश्चन है, पल्टन का विदूषक कौन था? यह जो है पल्टन का विदूषक, यह शब्द आपको आया हुआ है सिपाही की माँ कहानी जो है आपका उसमें है। तो पल्टन का विदूषक कौन था, जब आप कहानी को पढ़े हुए तो आपको पूरा पता है, लेकिन हम आपको बताएंगे, हजारा सिंह, मुख्तार सिंह,
वजीरा सिंह, कुलदीप सिंह। तो आपका सही आंसर है सी, वजीरा सिंह। सी ऑप्शन आपका सही है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, माटी की मूर्तें रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, गजानन माधव मुक्तिबोध, आरसी प्रसाद सिंह। तो आपका सही आंसर है बी, रामवृक्ष बेनीपुरी। 14 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज, पुनर्नवा, स्मृति की रेखाएं, कविता के नए प्रतिमान। तो आपका सही आंसर है ए, शुद्ध कविता की खोज। 15 नंबर का क्वेश्चन है, अज्ञेय के पिता का नाम था? दयानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर अभ्यानंद शास्त्री, डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। तो आपका सही आंसर है बी, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। 16 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी। तो आपका सही आंसर है डी, जर्मनी। 17 नंबर का क्वेश्चन है, चंपारण से धांगड़ कहाँ से आए? चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए? रांची, जमशेदपुर, छोटा नागपुर, आंध्र प्रदेश। तो देखिए, चंपारण में धांगड़ जो है वह छोटा नागपुर से आया हुआ है, इसीलिए आपका सही आंसर है सी। 18 नंबर का क्वेश्चन है, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? ऊसर, भोर का तारा, रेशमी टाई, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। तो आपका सही आंसर है डी, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। डी ऑप्शन आपका सही है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद, राम पुकार वर्मा। तो आपका सही आंसर है सी, जयशंकर प्रसाद। 20 नंबर क्वेश्चन है, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं? जयशंकर प्रसाद, ओम प्रकाश वाल्मीकि, कृष्णा सोबती, कमलेश्वर। तो आपका सही आंसर है ओम प्रकाश वाल्मीकि। बी ऑप्शन आपका सही है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी रचना मल्लेज की नहीं है? जख्म पर धूल, संवाद और एकालाप, रामचंद्र शुक्ल, सुनो राधिके। तो आपका सही आंसर है डी, सुनो राधिके। 22 नंबर का क्वेश्चन है, पंडित रामावतार क्या थे? ज्योतिषी, वैद्य, राजनेता, ज्योतिषी और वैद्य। तो देखिए, यह पंडित राम अवतार जो है आपको तिरिच कहानी का यह पात्र है। तो आपको पता होगा कि ज्योतिषी थे, वैद्य थे, राजनेता थे, क्या थे? तो देखिए, इसका सही ऑप्शन है आपका बी, वैद्य थे, जो कि लेखक के पिता को धतूरा का काढ़ा जो पिलाए हुए थे वहीं है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? 12 मई 1895 ईस्वी को, 18 जून 1892 ईस्वी को, 23 मई 1898 ईस्वी को, 15 अगस्त 1902 ईस्वी को। तो आपका सही आंसर है ए, 12 मई 1895 ईस्वी को। आपका ए ऑप्शन जो है सही है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, पद्मावत के रचनाकार हैं? जायसी, सूरदास, कालिदास, दिनकर। तो आपका सही आंसर है ए, जायसी। 25 नंबर का क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? नरहरिदास,
विठल दास, विठल नाथ, वल्लभाचार्य, आनंद दास। तो आपका सही आंसर है 25 का आंसर होगा आपका सी वल्लभाचार्य। छब्बीस नंबर का क्वेश्चन है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? बम भोला, राम बोला, हरि बोला, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है राम बोला, उनका बचपन का नाम था राम बोला। सत्ताईस नंबर का क्वेश्चन है, भक्तमाल के रचयिता कौन है? कबीरदास, गुरु नानक, रैदास, नाभादास। तो आपका सही आंसर है डी नाभादास। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुंच सके। अब हम लोग इसके अगले वीडियो में 28 से लेकर के 60 तक का क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।